इस मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा, अगर कोई सबसे ज्यादा पेन देता है, पेन मतलब लॉस देता है, सबसे ज्यादा पेन देता है वो है दोस्तों कॉम्प्लेक्स करेक्शन। क्योंकि कॉम्प्लेक्स करेक्शन जो है वो बहुत ही लंबे टाइम चलती है, वहां पर आप मल्टीपल बार ट्रेड लेते हैं, वहां पर आपको लॉस दिखता है, आप चाहे बाय करें तब भी लॉस, आप चाहे सेल करें तब भी लॉस। तो आज मैं आपको इस वीडियो पर समझाऊंगा एक्चुअल कॉम्प्लेक्स करेक्शन किसे कहते हैं, बनती कहाँ पे है, उसके बिहेवियर क्या होता है, और ये सब चीज़ें मैं आपको रियल टाइम चार्ट पे बताऊंगा ताकि आपको समझने में आसानी मिले। पहले समझते हैं कॉम्प्लेक्स करेक्शन होती क्या है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स करेक्शन, कॉम्प्लेक्स करेक्शन होती है दोस्तों जहां पर मार्केट बहुत लंबे टाइम अपने करेक्शन जोन में रहती है। जब वो करेक्शन जोन में रहती है वहां पर वो नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर चलती रहती है। तो यहां पर हमारे को नहीं पता चल पाता यहां पे मार्केट कर क्या रही है, बट जबकि वो यहां पर एक पैटर्न बना रही होती है, यहां पर वो कई बार डबल करेक्शन का पैटर्न बनाती है, कई बार वो ट्रिपल करेक्शन का पैटर्न बनाती है, वो चीज हमारे को नहीं पता होता जिसकी वजह से हम इस चीज को समझ नहीं पाते। तो कोशिश करूंगा आपको बताने की कि डबल करेक्शन ट्रिपल करेक्शन क्या होती है। दोस्तों जब भी हमारा एक पैटर्न करेक्शन का खत्म होता है, सेकेंड जो हमारी करेक्शन स्टार्ट होती है उसको स्टार्ट होने से पहले हमारे को मिलता है एक एक्स वेव। क्योंकि एक्स वेव जो होती है वो दो करेक्शन को कंबाइन करती है, जोड़ती है। अगर आप मैंने मेरी प्रीवियस पीछे वाली वीडियोस देखी हो तो उसके अंदर मैंने अच्छे से समझाया हुआ है। उसके बाद हमारे को यहाँ पर एक करेक्शन और देखने को मिलती है। अब भी अगर मार्केट में करेक्शन कंप्लीट नहीं हुई तो यहाँ पर अगेन हमारे को एक एक्स वेव मिलेगी, उसके बाद यहां पर दोबारा हमारे को एक करेक्शन देखने को मिलेगी। अब इस फेज में क्या होगा, ये हमारी होगी ट्रिपल करेक्शन। पहली करेक्शन हमारी ये होगी ये वाली, फिर अगेन एक्स वेव। यहां पर आने के बाद शोर मचेगा ऐसा कि यहां पर मार्केट में आ गया ब्रेकआउट। ठीक है, वहां पर जो है एक्स वेव बनता है और आवाज आती है ब्रेकआउट आ गया, ब्रेकआउट आ गया, ब्रेकआउट आ गया। फिर मार्केट दोबारा करेक्शन में एंटर कर जाती है, वहां पर आगे ऐसा लगता है कि जो ब्रेकआउट आया था वो फेल हो गया, वो ब्रेकआउट जो है वो फेलियर ब्रेकआउट है, तो ऐसी आवाज आती है। फिर वहां पर आने के बाद हमारा एक और पैटर्न बनता है यहाँ पे, अब फिर एक एक्स वेव बनती है क्योंकि फिर एक पैटर्न बनने वाला, अगला करेक्शन अभी खत्म नहीं हुआ, टाइम अभी उसका खत्म नहीं हुआ उसका करेक्शन का, तो फिर एक और मिलेगी। फिर जब तीसरी पैटर्न बनेगा तो वो भी एक एक्स वेव के बाद ही बनेगा, तो यहां पर आने के बाद फिर आवाज आती है कि ब्रेकआउट आ गया। अच्छा, फिर जब करेक्शन एंटर हो जाएगी तो फिर अगेन वही कि ब्रेकआउट फेल हो गया। तो जज कैसे करें, मार्केट को समझे कैसे कि ये कॉम्प्लेक्स करेक्शन आने से पहले हमारे को पता चल जाए भैया हम तो इतना दर्द नहीं सह सकते, हम तो इतनी मल्टीपल ट्रेड नहीं कर सकते, अब हम क्या करें। अब बात करते हैं ये बनता कहाँ पे है, तभी तो हम इससे बच पाएंगे इस टाइम वाइज करेक्शन से। दोस्तों अक्सर ये जो कॉम्प्लेक्स करेक्शन है ये बनता है सेकंड वेव में। सेकंड वेव में इसलिए बनता है वहां पर आने के बाद ताकि मार्केट में आपको ये जज ना कर पाओ कि अभी मार्केट जो है वो बेयर ट्रेंड से एक अपने बुल ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुकी है। आपको हमेशा वो डाउट में रखती है यहाँ पर मार्केट। एक जैसे एग्जांपल के तौर पर बताऊँ, मार्केट में ये फर्स्ट मूव आया क्योंकि ऑलरेडी जो है मार्केट एक अपने ऊपर हाई से नीचे गिर रही है और यहाँ पे हमारा बॉटम बना, और जैसे हमारी ये फर्स्ट वेव बनी यहाँ आने के बाद यहाँ पर जो सेकेंड वेव है दोस्तों यहाँ पर अक्सर हमारे को करेक्शन देखने को मिलती है कॉम्प्लेक्स करेक्शन, ताकि यहाँ पर आप हमेशा डाउट में रहें, आप क्लियर ही ना हो पाए कि यहाँ मार्केट ऊपर नया रन में जा सके या नहीं जा सकेगी। अब यहाँ पे जितना टाइम ये कॉम्प्लेक्स करेक्शन लेगी, डबल ले ले ट्रिपल ले ले जब भी करेगी, तो उसमें आप ये ध्यान रखें उसके बाद का जो ये मूव होगा ये हमारे को एक्सटेंडेड मूव मिलेगा। जो हमारी थर्ड वेव होगी इसीलिए ही वो ज्यादातर हमारे को एक्सटेंडेड वेव मिलती है, क्योंकि उससे पहले इसने नीचे सेकंड वेव में काफी टाइम बिताया होता है, काफी टाइम इसने यहाँ पे करेक्शन करी होती है, तो हमारे को यहाँ पर आके मिलती है थर्ड वेव में एक्सटेंशन, तो वो हमारे को प्रॉफिट कमाने का बहुत ही अच्छा टाइम मिलता है। अब आपको मैंने ये बता दिया कि ये होती कैसे है,
टाइम वाइज करेक्शन, सेकेंडली बनती कहाँ पे है। अब मैं आपको रियल चार्ट में बता दूं कि ये किस तरीके से दिखती है। जैसे आपको बताऊं, ये एग्जाम्पल ये रिलायंस पे चलते हैं, ठीक है। अब आप रिलायंस पे देखेंगे कि मार्केट यहाँ पे एक 2500 के दायरे पे खड़ी है। अभी कब से खड़ी है? ये खड़ी है दोस्तों 2020 से, ठीक है जी। यहाँ पर 16 सितंबर 2020 को जो इसका भाव था वो था यहाँ पे तकरीबन 2400 रुपये, और आज भाव चल रहा है 2500 रुपये। सिर्फ 100 रुपये ऊपर गई है, और आज की डेट में इसको हो गए हैं 2 साल से ज़्यादा। तो इस टाइम की मार्केट को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स करेक्शन, जहाँ पर मार्केट जो है नीचे ऊपर नीचे ऊपर। यहाँ पर यहाँ ये देखो आप, जैसे मैंने भी आपको बताया, यहाँ पे ये हमारा एक पैटर्न बना डन, उसका ये मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया। जब ये आप देखेंगे, अगर आप मैं इसको ऐसे कर दूँ, ठीक है, यहाँ पे अब आप देखेंगे ये जो मार्केट ऊपर गई, तो यहाँ पर एक कैसा लगा आपको कि मार्केट में ब्रेकआउट आ गया, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया, अब ऐसा लगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर चली जाएगी, बट मार्केट आ गई नीचे एक अपने और करेक्शन करने। यहाँ पर मार्केट ने फिर करेक्शन करी ये वाले पीरियड में, ठीक है। उसका मार्केट जो है फिर अगेन ऊपर गई, ये देखो आप, फिर ऐसा लगा यहाँ पर फिर ब्रेकआउट आ गया, यहाँ पर फिर एक्स वेव बनाई उसने। अब ये अपना थर्ड पैटर्न कर रही है, अब हमारे पास ये एक थर्ड पैटर्न मिल गया। अब ये आप देखेंगे कि यहाँ पर इसको 3 पैटर्न मिल गए, तो इस तरीके से मार्केट अपनी करेक्शन करती है। अगर इसको एक जगह पे खड़ा भी होना है, तो वहाँ पर इसने अप डाउन होकर के पैटर्न बनाएगी, या पहले ट्रायंगल बनाएगी, बाद में अपना फ्लैट जिगजैग बनाएगी। अगर पहले फ्लैट जिगजैग बना लिया, तो बाद में ट्रायंगल बनाएगी। अगर ये सारी चीज़ें आप एक प्रोफेशनल तरीके से समझना चाहते हो, तो दोस्तों आपको इलियट वेव सीखना पड़ेगा, जहाँ पर आपको प्रोफेशनल तरीके से हम बताएंगे कि इस तरीके से ये पैटर्न्स बनते हैं, डन। अब मैं अगर बात करूँ इसी चार्ट की, और मैं आपको लेकर चलता हूँ वीकली पे। अब जैसे मैंने आपको कहा था कि ये बहुत पेन देता है ना, तो यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट ने जो करेक्शन स्टार्ट करी थी ये रिलायंस की, और वहाँ पे 2007 दिसंबर में, और कहाँ तक चला ये भाव करेक्शन, ये चली दोस्तों 2017 तक। मतलब यहाँ पे आप समझे कि 10 साल मार्केट खड़ी रही तेरे में, 10 साल अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स, अच्छे अच्छे लॉन्ग टर्म वालों की मतलब हालत ख़राब हो जाती है। यहाँ पे किसी को बोलूँ आपको यार ये स्टॉक ले लो, यहाँ पे 2 साल आपको वेट कर रहा है, नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे 10 साल हो गए, और यहाँ पे क्या टाइम पीरियड था, यहाँ पे 10 साल में लोग थक गए थे, भाई रिलायंस की बात मत कर मेरे से, मेरे को रिलायंस नहीं लेना, वो तो हिलता ही नहीं है स्टॉक, वो उसका तो मोमेंटम ही नहीं है। तो स्टॉक जो है, जब भी आपको एक इम्पल्सिव मूव देंगे और जब भी आपको तेजी देंगे, उसके बाद वो काफ़ी लंबे टाइम तक वो करेक्शन करते हैं। तो ये करेक्शन से पहले हमारे को एग्जिट हो जाए, तो हमारे लिए तो बहुत ही बेस्ट टाइम होता है कि हम अपने आप को बचा लें। दूसरा अगर मैं आपके साथ चार्ट बताना चाहूं, तो आप देखेंगे प्राज इंडस्ट्रीज, ठीक है। इसमें क्या हुआ ये देखें आप, यहां से करेक्शन स्टार्ट हुई मई 2007 से, और कहां तक करेक्शन चली, ये तकरीबन आप समझ के चले कि अभी इसने हाई का काटा है 21 मार्च 2021 में, मतलब 7 से लेके 21, कितने साल हो गए जी, 13-14 साल से मार्केट एक जगह पर खड़ी है, 13 साल, बहुत लंबा टाइम है जी ये करेक्शन करने का। तो ये जो पेन है, ये पेन आसान नहीं है संभालना, यहाँ तक कोई स्टॉक को होल्ड ही नहीं कर सकता। अगर मैं एक और स्टॉक आपको बताऊं, बहुत स्टॉक ऐसे, टाटा पावर, ये देखिए आप कितना टाइम हो गया जी इसको, यहाँ से तकरीबन यहाँ तक इसने इसका हाई काटा, यहाँ पे तकरीबन 2007 से लेकर के अगेन वही चीज़ 2021, यहाँ पर भी इसने 13 साल की कंसोलिडेट किया। उसके बाद मार्केट में ऊपर ये तेजी आई, ये दोबारा फिर करेक्शन में एंटर कर गया। अब करेक्शन कहाँ तक चलेगी वो देखेंगे, वो टाइम वाइज देखेंगे कि करेक्शन क्या कहना चाहती है। और चाहिए बहुत स्टॉक्स ऐसे दोस्तों। चलो एक और आपको बताता हूँ, विप्रो, इसको कितना टाइम हो गया जी, बाप रे बाप, 2000 ये 2000 से करेक्शन कर रहा है, 2000 से, और आज प्राइस कहाँ पे इसका, वहीं पे 2000 में जो भाव था विप्रो का, विप्रो आप जाके स्टॉक देखे, करोड़ोंपति बनाए स्टॉक ने लोगों को, करोड़ोंपति, और वो स्टॉक आज जो है 23 साल हो गए एक ही प्राइस पे खड़ा, एक ही भाव पे खड़ा।
इस तरीके से होती है कॉम्प्लेक्स करेक्शन। कहाँ तक होल्ड करोगे? कई बार आपने सुना होगा यार ये लॉन्ग टर्म के लिए रख लो, लॉन्ग टर्म के लिए रख लो। अब लॉन्ग टर्म किसे कहते हैं? लॉन्ग टर्म 2 साल लॉन्ग टर्म, 5 साल लॉन्ग टर्म, 10 साल लॉन्ग टर्म, 23 साल से खड़ा है ये स्टॉक। बहुत स्टॉक है भरमार है, भरमार भरमार। तो ऐसे स्टॉक्स जो है बहुत लंबे लंबे टाइम करते हैं, जिनको उनको बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स करेक्शन। सॉरी, हमारा जो मेन काम है ये हम कैसे जज करें कि कॉम्प्लेक्स करेक्शन से पहले हम बाहर आ जाए, क्योंकि ये बहुत पेन है, इसमें लॉस ही बहुत है, तो हम इससे बचे कैसे। मेरे पास कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि ताकि किस तरीके से हम अपनी एनालिसिस को बनाते हैं, कैसे हम पैटर्न्स को ढूंढते हैं और कैसे हम अपनी ट्रेडिंग को सेटअप देते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद जो टॉप पे हमारे को एक ऐसा सिनेरियो बन रहा था कि यहाँ से मार्केट ने नीचे करेक्शन लेने जाना, हाँ ये नहीं पता था कि करेक्शन में कोरोना वायरस का इतना ज़बरदस्त इफेक्ट आएगा, जिससे मार्केट के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त फॉल देखने को मिला। मतलब इवन के उस टाइम पे अगर आप काम कर रहे हो तो आपको आइडिया होगा कि मार्केट गैप डाउन खुल रही है 500 रुपये, और गैप डाउन खुलते ही सर्किट सर्किट लगते ही मार्केट में फिर आवाज़ आती है चलो 1 घंटे के लिए मार्केट खोलेंगे। जैसे ही मार्केट खोली फिर सर्किट, मार्केट अगले दिन गैप डाउन खुली, गैप डाउन खुलने के बाद फिर नीचे 500 पॉइंट, बड़ा ज़बरदस्त तरीके से उस टाइम पे गिरावट आई है। तो हमारी जो एनालिसिस है बिल्कुल एकदम टॉप पे अभी आई भी नहीं थी, और पैटर्न यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरा एरो के नीचे की तरफ है, और 5 फेब की ये डेटा के मार्केट में नीचे जा रहा है। आप जाके चार्ट पे चेक कर सकते हैं यहाँ पर ऊपर क्या डेट थी, एग्जैक्ट ऊपर ही हमने यहाँ पर बताया था कि मार्केट में गिरावट आएगी। बट ठीक है, कोरोना का किसी को नहीं पता था कि इतनी ज़बरदस्त गिरावट होगी, बट ठीक है हमारे एनालिसिस से मार्केट में गिरावट आनी थी, क्योंकि यहाँ पे ये जो पैटर्न बन रहा है ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पे एक एंडिंग डायगोनल पैटर्न बन रहा है, जो मैंने अभी वीडियो बना के दी है एंडिंग डायगोनल के ऊपर। अगर एंडिंग डायगोनल आपको मिल जाए तो वहाँ पर मौजा ही मौजा करके मैंने थंबनेल पे बनाया हुआ, आप वो मेरी चेक कर सकते हैं, उस टाइप का यहाँ पे एंडिंग डायगोनल पैटर्न बन रहा था। तो वो इसी तरीके का उसमें हमारे को देखने को मिलता है कि क्या आगे सेटअप बन रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर जो पैटर्न नीचे की तरफ आ गया, यहाँ पे जो फॉल हमारा आ गया, ये मेरा स्क्रीनशॉट है दोस्तों 19 मार्च का, जहाँ पर हमारा बॉटम बिल्कुल लगने की तैयारी पे था। तो यहाँ पर मैंने रेकमेंड करा था कि यहाँ पर हमारा खरीद लो माल जितना दम है, यहाँ पर गिरावट और नहीं चलने वाली, क्योंकि जो है कल से मार्केट ने ठीक हो जाना है। बिकॉज क्योंकि यहाँ पर जो मार्केट में गिरावट आई है ना, वो एक इस तरीके से गिरावट आई और नीचे जो पैटर्न बना, तो वहाँ पर मतलब हम क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर अगर फिब्रांकी रिट्रेसमेंट लगा के देखेंगे तो हमारी यहाँ पर एक फुलफिल हो रही थी इसकी जो तेजी थी उसी गिरावट की। अब ये आप देखिए इसका स्क्रीनशॉट है, यहाँ पे 78% की इसने अपनी करेक्शन पूरी करी, जितने भी यहाँ पर जिनकी बाइंग ली हुई हुई थी सब बाहर निकल गए। यहाँ पर हमारा बहुत ही अच्छा पॉइंट था एक एंट्री लेने का। उसके बाद मार्केट में यह जब ये देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट है, इसके अंदर भी सेम पैटर्न था कि यहाँ पे एंडिंग डायगोनल बन रहा था और उसके बाद मार्केट नीचे चले गई। अब यहाँ पर बिल्कुल बॉटम पे ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, बिल्कुल बॉटम पे 22,200 रुपये का भाव है, और वहीं बताते हैं कि यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, आप एरो भी देख सकते हैं। तो उस तरीके से हुआ, और ये 2021 13 सितंबर को बनाया जब ये मार्केट ने करेक्शन लेनी स्टार्ट करी है। अब ये वाला पॉइंट आप देखें 17,365, ये हमारी 6 की लेग थी, एक हमारे लेग ऊपर की 7 की। यहाँ पे ऊपर जाने के बाद इसने करेक्शन लेना स्टार्ट कर देना था। अगर मैं यही चीज़ आपको मैं चार्ट पे दिखाऊं तो आप ये देखेंगे निफ्टी के अंदर, एक सेकेंड, ये तो निफ्टी में आप यहाँ देखेंगे जो मैंने वो फोटो क्लिक करी है वो एग्जैक्ट यहाँ पे 13 सितंबर तकरीबन हमारे को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। ये हमारी 6 वेव थी, उसका एक 7 वेव के लिए ऊपर गया मार्केट, और वहीं से ही मार्केट के अंदर एक हमारे को एक कॉम्प्लेक्स करेक्शन दिखनी स्टार्ट हो गई। तो आज हमारे को वहाँ पे एक साल तकरीबन से ऊपर हो गए हैं, 1.5 साल के आसपास हो गया, आज भी हम उसी भाव पे हैं जो हम पहले थे 1 साल पहले। इस टाइप की मार्केट करेक्शन को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स करेक्शन। तो कैसे पकड़ना है वो मेन चीज़ है, वो दोस्तों आएगी आपको प्रैक्टिस से, आपको सारी एनालिसिस से, ताकि आप आने वाले फ्यूचर में आने वाले जो फोरकास्ट है आप उसको जज कर पाएँ, इम्प्लीमेंट कर पाएँ, और उस तरीके से आप जब चार्ट पर अप्लाई करेंगे तो काफ़ी अच्छा आपको रिस्पांस देखने को मिलता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सारा सिनेरियो क्लियर होगा, बहुत ही मैंने आपको आसानी से समझाने की कोशिश करी है कि ये कॉम्प्लेक्स करेक्शन क्या होती है, इसका बिहेवियर क्या होता है, कैसे बनता है, कहाँ पर बनता है।
और आपको मैंने लाइव चार्ट पे दिखा भी दिया कि ये किस तरीके से काम करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी वीडियो, पसंद आए दोस्तों लाइक करना मत भूले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो बेल नोटिफिकेशन दबा दे ताकि आपको ये जैसी मैं आपको लर्निंग वीडियोज डालूँ आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखें।